मतलब मैंने हैंगडमैन ऐसे रखा बट मुझे ऐसा लगता है ना ये सारे मैसेजेस इंटरकनेक्टेड आ रहे हैं क्योंकि लास्ट वाले मैसेज में ये सेकंड लास्ट कार्ड्स थे हैंगमैन लॉस ऑफ प्लेजर और यहाँ पर अगर आप देखें तो फाइव सिक्स सेवन एट की एनर्जी है एट और नाइन की एनर्जी है तो एक प्रोग्रेसिव एनर्जी है हारमिट उन्होंने दिया है यहाँ पर वर्ल्ड है और वर्ल्ड से पहले स्टार है तो समथिंग कमिंग टू लाइट और ये जो एनर्जी है ना दिस इज़ अबाउट सैडनेस एंड स्टक एनर्जी क्योंकि यहाँ पर वो सैड है क्योंकि तीन कप्स गिर गए हैं यहाँ पर नज़रिया बदल कर देख रहा है उसी चीज़ को तो बेसिकली हैंडमैन की जो एनर्जी होती है ना ये चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने की एनर्जी होती है और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ को दूसरे दिस कुड बी लाइक अ ये हो सकता है री uh, किसी चीज़ की दोबारा से इन्वेस्टिगेशन होना यू सी सो बेसिकली दिस मीन्स दैट कोई रिक्रिएट uh, करना किसी सीन को और उसको अलग नज़रिए से फिर देखना तो यहां पर मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जो कोई ऐसा एक्शन जो सुशांत इंडिकेट करें कि कोई ऐसा एक्शन जो हुआ था जो हुआ जहां पर लॉस था जहां पर कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दी या दिखी जहां पर कंप्लीट एविडेंसेज नहीं मिली कंप्लीट चीज़ें नहीं मिली कंप्लीट um, uh, uh, चीज़ जो जो भी चाहिए था वो नहीं मिला बेसिकली इट लुक लाइक एवरीथिंग ज लॉस्ट वहां पर कुछ छुपा हुआ था जो किसी को नजर नहीं आया बिकॉज ऑफ हाउ द पर बींगेक्टिव से चीजें देखी जा रही हैं और उस चेंज प्रस्पेक्टिव से चीजें देखने के कारण दर इज समिंग दैट इज गोइंग टू कम टू लाइट एंड दिस इज समिंग जो मतलब अभी तक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हिडन हुई हैं राइट right? हमने नहीं देखी है सामने नहीं आई है बट दिस इज गोइंग टू भी समथिंग जो विजिबल होने वाला है बिकॉज दिस विलीड टू एन अरेस्ट सो इट इज सेम की कुछ चीजों को ही सेम कुछ चीजों को नजर नजरिया बदलकर देखा जाएगा और वो जो नजरिया बदलकर देखा जाएगा वो किसी अरेस्ट की तरफ लीड करेगा विच इज गोइंग टू बी बिग वन और um, दैट्स द एनर्जी जहां पर चेंजेस जो है वो आपको दिखना शुरू हो जाएंगे मतलब दट्स फ्राम वेयर थिंगस विल स्टार्टमिंग विजिबल और यहां पर मुझे ऐसा लगता है दैट दैट्स वेरी क्लोज क्योंकि दिस इज द एनर्जी बिटवीन समवेयर मार्च टू मे के बीच की एनर्जी है ये और दिस इज समथिंग जहां पर ऑलमोस्ट सो बेसिकली समिंग इज मूविंग समबड़ी वॉज ट्रैवलिंग इफ यू सी लास्ट मैसेज में सुशांत ने बोला कोई ट्रैवल कर रहा है और उस पर पूरी नजर रखी जा रही है एंड इट इज लुकिंग लाइक उसका ट्रैवल जो है खत्म होने वाला है इज अबाउट टू रीच जहां पर

दिस लुक्स लाइक दिस इज गोइंग टू रिलेटेड टू सुशांत सो येस दिस इज गोइंग टू भी रिलेटेड टू सुशांत ये जोस्ट होगा ये सुशांत केस के साथ ही रिलेटेड होगा मतलब इट मेट भी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो मैं अभी नहीं बोल सकती जितने कार्ड्स मेरे दिख रहे हैं वहां से बट इट इज रिलेटेड टू सुशांत अनडाउटली टेम्प्रेस ये सो पॉसिबल इनडायरेक्ट रिलेशन हो बट इट इज गोइंग टू बी समथिंग विद रेफरेंस टू हिम विल कम ये ये फॉर श्योर sure है कि उनके रेफरेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा उनके नाम से रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा इस अरेस्ट में ये जो ये जो अरेस्ट मुझे सुशाम दिखा रहे हैं एंड इट इज से इट इज लुकिंग लाइक एम ऑलमोस्ट कंप्लीन uh, हो चुकी है किसी चीज की जहां पर वो कम्युनिकेशन पहुंचनी थी वो पहुंच चुकी है पहुंच रही है समबड़ी इज वेटिंग टू गेट दैट द मूमेंट ही गेट्स दैट इज इट इज गोइंग टू बास्ड ओवर टू द वन जो एक्चुअली इन इन विजिबल वर्ल्ड एक्शन ले सकता है और फिर वो एक्शन जो है वो हमें दिखाई देगा दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी सो इज दैट समथिंग इज मूविंग वेरी फास्ट एंड फिजिकल वर्ल्ड में आपको Uh, कुछ दिखाई देगा जहां पर एक्चुअली आपका भी नजरिया बदल जाएगा और चीजों को भी नजरिया बदलकर देखा जाएगा तो कुछ ऐसी चीज मिली है जिसको uh, जि, जिससे अभी तक जो भी चीजें देखी गई हैं उनको देखने का नजरिया उनको इवैल्यूएट करने का नजरिया बदल जाएगा दैट इज हाउ इट इज एंड ही इज इंडिकेटिंग कार्ड यहां से दो तो आई विल ओके सुशांत इज इट इज लाइक दिस इज दिस इज द टाइटल आई एम गिविंग यू Okay, so let's see what is the title he's giving me and he says, wings. यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई नंबर एट की एनर्जी है एंड दिस इज ब्यूटिफुल बिकॉज ये कार्ड जो है ना वो बहुत क्लियर एनर्जी बोलता है कि लोगों ने आपको एहसास कराया कि आप कितने वीक हो आप कितने ये हो कितने वो हो लेकिन आपको उनकी जरूरत ही नहीं थी कभी आ, कि आप उड़ सको तो बेसिकली दिस इज लाइक सेल्फ सफिशियंट एनर्जी और यहां पर यह बोलता है कि आप ऐसा लगता है कि आप एक नेवर एंडिंग साइकिल में सेल्फ डाउट के और सेल्फ क्रिटिसिजम के स्टॉक थे और आप आपको बताया गया था कि आप ये भी नहीं कर सकते हो आप वो नहीं कर सकते हो um... Uh, और जब आप अपने आप को बताते हो कि मैं ये नहीं कर सकता हूं मैं वो नहीं कर सकता हूं टॉक्सिक सेल्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक टॉक होती है um, और दूसरों को वैसे ही दूसरे आपके साथ um, जैसे चाहते हो कि दूसरे आपके साथ काइंडनेस के साथ ट्रीट करें वैसे ही खुद को भी अपने अपने आप आप के को भी काइंडनेस के साथ ट्रीट करना है अ बर्ड कांट फ्लाई अवे इफ यू नेवर लेट इट आउट ऑफ इट केज सो यू नो वाई ही गिव दिस मैसेज बिकॉज अ बर्ड इज कमिंग आउट ऑफ द केज समथिंग दैट वॉज अ टावर कुछ ऐसा कोई ऐसा Uh, जो टावर में रखा गया था बंद करके रखा गया था और उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक कर दिया गया था या उसका माइंड जो है वो बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया गया था दैट बर्ड इज गोइंग टू फ्लाई आउट दैट बर्ड हैज ऑलरेडी फ्लोर आउट और वो बाहर निकला है तो फिर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी और लेट्स सी कहाँ तक जाती है सो आई एम गोइंग टू पुट दैट इन इन द टाइटल एंड लेट्स सी थैंक यू सो मच का टेक केयर बाय बाय